देखिए टेडी हमारा चेयर पे सो रहा है। आ टेडी नन्नी ठंड लग रही है इसको भी। और जेनी, ये देखिए जेनी भी आ गई। जेनी पिल्लू क्या कर रहे हैं? देखिए पिल्लू अभी बड़े हो गए हैं जेनी के पिल्लू। लाइट ही नहीं है जेनी, लाइट ही नहीं है। देखो जेनी और मैंने मैगी बना दी। शेखर गया देने के लिए अभी टिफिन, बच्चों को डैडी भी चला गया साथ में कार में। जेनी को भी जाना था, जेनी को नहीं भेजा। ये बैठ के ये देखो, इसको भी जिधर किधर जाना है, बच्चों के पास बैठते ही नहीं है। जाओ चेयर टेट जेनी, पिल्लू के पास बैठो। जेनी लाइट नहीं है, दिक्कत हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कल मोटर चालू कर दी थी, पानी चढ़ गया ऊपर। और आज सुबह भी की थी शेखर ने 5 मिनट बिना लाइट के, अच्छा ही नहीं लगता है ना। टीवी चल रही है, हमारे पास तो वाईफाई है, वाईफाई भी बंद हो गया अभी नेट पे। और कल संडे है, देखा हमने सोचा था कहीं बाहर जाएंगे, वाइट रन का सोचा था हमने, वाइट रन जाएंगे, पर देखें अभी पक्का नहीं है क्योंकि खुशी के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं अभी, इसीलिए वहाँ पे जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। सुबह भी समझो हम 9 बजे भी निकलें तो रात तक, मतलब रात तक आएंगे रिटर्न। घूमना घूमना फिरना थोड़ा, देखें अभी खुशी तो मना कर रही है नहीं कि वह एग्ज़ाम है मेरा। सही बात है, फिर साइंस का एग्ज़ाम है मंडे को उसका, तो इसलिए पहले पढ़ाई देखते हैं अभी। और उसके एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे? 15 को शायद ख़त्म हो रहे हैं, 15 या 16 को ख़त्म हो रहे हैं, और मयंक के 7 को चालू हो रहे हैं। देखें अभी प्रोग्राम ही नहीं हो पाता है, आशापुरा जाना है वो भी नहीं हो पाता है, वाइट रन का सोचा था तो एग्ज़ाम आ गए। देखें अभी शेखर कह रहे नहीं तो मूवी देखने चलते हैं, देखें अभी क्या करना है। कह रहे हैं ये गुड न्यूज़ अच्छी मूवी है, रिव्यू अच्छा आया है। देखें अभी, पहले तो दबंग की इच्छा थी, दबंग 3 वो देखने की इच्छा थी, पर वो कह रहे हैं इतनी ख़ास नहीं है, तो उससे अच्छी ये गुड न्यूज़ है, कॉमेडी मूवी है। देखिए अभी शेखर कह रहे हैं नहीं तो उस पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी खाना बनाना है, अभी तो ये वर्षा भी आ जाएगी, उषा भी आ जाएगी झाड़ू पोछा करने, सब काम साथ में होता है। फिर मित्तल भी आ जाती है 12:30, जल्दी आ जाती है, 12:30-1 बजे आ जाती है। उसके बाद मेरी सब्जी बनती है। और ठंड बहुत खुल गई है यहाँ पे, अभी आएंगी तीनों जनी साथ में आएंगी। वर्षा तो आती है 11:45 बजे तक आती है। हाँ अभी 11:20 हुए हैं, 11:45 बजे तक आएगी, 12 बजे तक। और इसी बीच में फिर ये उषा भी आ जाती है झाड़ू पोछा करने, और उसी बीच फिर मित्तल भी आ जाती है। खाना क्या बनो, वही कंटाड़ आता है रोज़ रोज़, क्या बने। कल तो पत्ता गोभी बनाई थी सुबह, अभी तो गोभी रखी हुई है। और क्या है,
शिमला मिर्च है, देखें क्या बने। जेनी क्या बनाए खाना? ओ जेनी जेनी ले वहाँ पे बैठा है। कैसे बैठा है? चलिए बाद में मिलती हूँ, बाय। अभी खाना बना लूँ कुछ, बाद में मिलती हूँ, बाय। दीदी पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? जिनी पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ गए? पापा दीदी लाइट कब आएगी? ओ टेडी टेडू, हाय। और टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं और अभी तक लाइट आई नहीं है, क्या करें यार, लाइट कब आएगी। और मेरा खाना बन गया है, तुअर की दाल बनाई है मैंने, तुअर की दाल बनाई है और चावल भी बन गए मेरे, और ये मैंने बैंगन बनाए हैं अलग तरीके से आज, नए तरीके से बनाए हैं आज बैंगन। और ये 3 फ्राई हो रहे हैं अभी, पड़े थे, मैंने कहा ये अलग से बना देती हूँ आज। और बच्चों की छुट्टी अभी 2:30 बजे होगी, वैसे 2:30 बजे छुट्टी होगी बच्चों की। लाइट पता नहीं कब आएगी, लाइट होती तो मैं नहा लेती, गीज़र अभी कैसे करूँ, देखो नहीं आई अभी, कंटर आता है बिना लाइट की। और उषा वर्षा सब करके गए काम, और हाँ मित्तल भी फुलके बना के गई, मित्तल भी आई थी। मित्तल भी बनाती है, और ये पता नहीं कैसे बना होगा, आज पहली बार ही बनाया मैंने, गोल पीसेस में काट के मसाला लगा के बनाया है। वैसे मैं दूसरे टाइप से बनाती हूँ अलग तरीके से, वो भी कभी दिखाऊंगी, पर आज थोड़े बड़े बैंगन थे तो ना उसका भरथा बनेगा, टाइम लगेगा, और इतना सा तो भरथा होगा, इससे अच्छा मैंने ये बना दिया गोल पीसेस में काट के। और रिलैक्स हो रहे हैं अभी, देखिए जेनी रूम में होगी और टेडी देखो, टेडी सुबह ये भी जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे उठते हैं ना सुबह, शिखर में उठते हैं सब, खुशी में क्या नहा के जाते हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं। जैनी यहाँ भी सो रही है, बिल्लू भी सो रहे हैं, एक तो अंधेरा है पूरा रूम में, लाइट भी नहीं है, खाना तैयार है मेरा, बस अभी आ जाएं बच्चे, 2:30 बजे छुट्टी होगी तो 2:45 बजे तक आते हैं, शेखर ही लेने जाता है। ठंड भी खुल गई है, मैं तो गैस के सामने खड़ी थी इसीलिए कुछ पहना नहीं, अभी लग रही है ठंड। चलिए बाद में मिलती हूँ, बैंगन जल जाएंगे मेरे, बाय। अभी 2:45 हो रहे हैं, ये देखिए लाइट अभी तक नहीं आई है, परेशान कर दिया लाइट, नहीं पता नहीं कब आएगी लाइट।
ये तो अच्छा हुआ कल रात को मोटर चालू कर दी थी, सुबह भी मोटर चालू कर दी थी। अगर मोटर चालू नहीं करते तो ऊपर पानी नहीं होता। और मैं दाल गरम कर रही हूँ तुअर की, और ये प्लेटें निकाल के रख दी है मैंने, और बैंगन भी बन गया। सब तैयार करके रखा है क्योंकि बच्चे आएंगे फिर फटाफट खाना खा के फिर ट्यूशन जाएंगे, 4 बजे तो ट्यूशन होता है। लाइट कब आएगी यार, 2 बजे का बोला था पर अभी तक नहीं आई है, 2:45 हो रहे हैं। एक तो ठंड का टाइम है, इतना गर्मी हो तो चलो ठंडे पानी से भी नहा लें, अभी इतनी ठंड में ठंडे पानी से कैसे नहाएं। पानी में हाथ डाल रहे हैं तो एकदम ठंडा ठंडा शॉक लग रहा है, इतनी ठंड हो गई है। ये देखो कैसे सो रहे हैं तीनों ठंड में। कल तो संडे, चलो शांति। गर्म हो गई तैयारी करके रखी है, बस अभी आ जाए। टाइम तो हो गया वैसे, पर टेडी देखो कैसे सो रहा है। अरे कार की आवाज आएगी, पहले जैनी भागेगी, टेडी भागेगा। करके अभी चटाई बिछानी है अंदर, अलग बाहर बैठो भी। चल चलो बाहर, मैं चलो फोन करके पूछ लूँ पहले। पापा आ गए, पापा आ गए, ये देखो खुशी दीदी मैं भी आ गई। दीदी खुशी दीदी मयंक भैया आ गए, देखो बच्चे भी आ गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। किया टिफिन फिनिश किया? नहीं। क्यों? अरे वो लेट आया था ना। कौन लेट आया था? 5-6 मिनट लेट आया था टिफिन, तो फिर टाइम नहीं मिला। 15 मिनट आपने भी नहीं खाया? मैंने मैगी खाई लेकिन वो नमकीन थोड़े से छूट के वो भी खाई। चलो चलो एलेक्स बाहर बैठ, तू बाहर बैठ, इसको बाहर बैठा चुको, बैठो एलेक्स आ जाओ।
पापा गए टेडी, टेडी के पापा खुशी दीदी मयंक भैया गए। चलो अंदर जैनी, जैनी और मैं कपड़े धो रही हूँ अभी, मुझे सुबह कपड़े धोने थे अभी धो रही हूँ, लाइट अभी आई है। और अभी शाम भी हो रहे हैं, 6:45 भी हो गए हैं, देखो 6:45 हो रहे हैं और तारक मेहता चल रहे हैं और कपड़े मैंने धो दिए, लास्ट बाकी चल रही है मशीन में, देखिए लास्ट की ही है।
बच्चे गए तब से लगी पड़ी हूँ कपड़ों में, फिर मेरे सुबह ही हो जाते, आहो धूप सुबह ही हो जाती मेरे पर, लाइट ही नहीं थी। लाइट कितने 3 बजे आई है, 3 या 3:15 बजे आई थी लाइट। वो चिड़िया ने आन तक फैला के रखा है, पूरा चप 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 करती रहती है। ये ऊपर शेड है ना, ये देखिए यहाँ पे अभी यहाँ सुखाने और बाकी हैं, जो लास्ट में चल रहे हैं वो सुखा दूंगी अभी। मेन कपड़ों की टेंशन होती है, पैरट दिखाते हैं बाकी। अरे और अभी 7 बज रहे हैं, मेरे कपड़े भी धुल गए, और अभी ये पिल्लू बाहर आ गया था खुद से ही। मेरे पैर, ये वाला वाइट वाला खुद से ही बाहर आ गया था, चला रहा था किंग किंग चिंग चिंग कर रहा था, खुद ही बाहर आ जाते हैं अभी। यहाँ से आते हैं, ये देखिए ये एरिया है ना, यहाँ से ये यहाँ से आ जाते हैं। ये पिल्लू व्हाइट वाला बाहर आ गया था जैनी का, फिर चिल्ला रहा था, खुद ही बाहर आ जाते हैं अभी। और अभी शेखर चाय बना रहा है, चाय बनाने के लिए रख दिए। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, जोर से बोलो। अभी चाय नहीं पिलाओगे अपने आप से? नहीं, खाना खिलाती हूँ बस से। ये देखिए सब्जी भी साथ में बना दी, आलू शिमला मिर्ची सब्जी भी बना दी, कपड़े भी धुल गए। बोलो बोलो जोर से बोलो, धीरे नहीं बोलो। ये जेनी मसाज करा रही है क्या? मसाज करा रही है। क्या बोला तुमने बोलो? मम्मी अब से खाना खिलाएगी, चाय में पिलाऊंगा ऐसा मम्मी ने बोला। अभी खाना बनाने आता है तुम्हें? ठीक है बताओ तो क्या आता है बनाने, बताओ बोलना। बोलो बोलो क्या आता है बनाने, बोलो। नहीं बोलो पहले, एक मिनट ये ट्रांसफर करो। हाँ करो, पर पहले बताओ क्या बनाने पुलाव? एक बार भी नहीं खिलाया कभी, खिलाया तो मैं। और तो कुछ है नहीं, होशारी। ये देखिए टेडी, देखिए टेडी एलेक्स। ये देखिए कपड़े भी धुल गए। टेंशन फ्री, मेन कपड़े होते हैं, कपड़ों की टेंशन होती है। और बच्चे भी आ गए ट्यूशन से। अरे पुछी देखी पुछी, जेनी जेनी डोंट डिस्टर्ब, मसाज चालू है। मसाज रुक, तो पिल्लू को लेके आ रही हूँ तेरे, रुक जा अभी छोड़ देगी मसाज वसाज। पिल्लू को लेकर आती हूँ, पिल्लू पिल्लू क्या सही में क्या जेनी है ये, कोई टेंशन ही नहीं है। दिखाती हूँ पिल्लू, ये वाला बाहर आ गया था वाइट वाला, इसलिए नीचे ये बिछा दिया। यहाँ से आए तो सीधे इधर आ जाए, और अगर यहाँ से तो नहीं, इधर से तो नहीं आ पाएंगे ना, वो तो चला गया। किधर इधर ही आएगी, देखेंगे अभी देखेंगे। अभी कर रही देखेंगे। मैं तो बात नहीं याद करती हूँ। या, कितना याद करती है अपने पति को, दिन रात। अभी क्या बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं बोला, बता आपने सुना ही नहीं। मैंने सुना इसलिए मोबाइल ऑन किया। भैया ये क्या बोल रही है पता है आपको? आपके लिए क्या बोल रही है ये मित्तल?
बोलू मित्तल करी, मुझे बहुत याद आती है अपने पति की। देखो नहीं कर रही, देखो मना कर रही है, मैं कुछ नहीं बोला था भाभी ने। अब मैंने बोला अपने पति की याद आती है, इसको तो कह रही नहीं आती है, उंगली ऐसे ऐसे कर रही नहीं है ना। हाय हाय, हाँ भी बोला, हाँ भी बोला, देखा हाँ बोला, हाँ मिसल ने हाँ बोला। रुक जा, अभी तेरी खैर नहीं है, पक्का करती हूँ। देख लो पूरे मरने वाली आता कोई आता मरने वाला, पूरा मरने वाली देख लो। आधा कौन मरता है, इसलिए आधा आधा मरती है लगता है पति की याद में, है ना, पति की याद में आधा मरती है। देख देखो आपकी बीवी फुलके बना रही है, देखो बेलन दिखा रही है, बेलन भी दिखा रही है। आ जाओ गांधी धाम, आ तो बेलन से कुटाई करूं फिर। क्या कुटाई करेगी, इसीलिए भैया आपको इसने ना बेलन दिखाया, अभी इसीलिए इसने बेलन दिखाया। आ जाओ, आप खैर नहीं है वैसे ही, क्रोधित है वैसे ही ये मित्तल, अभी तो हंस रही है, अंदर गुस्सा कर रही होगी। कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी रोटी बना के भागूंगी। हाँ भागेगी, फिर फोन चालू करेगी, फिर आपसे बात करेगी, है ना। अरे अरे हाँ हाँ बोल रही है, हाँ घर में काम वाम करती है, लगी रहती है पूरे दिन यही काम करती है, क्या पता जब देख पति का फोन ही होता है, रह पाते नहीं हो एक दूसरे के बिना, है ना। अभी 4G नहीं चले रहे, तो पति को भेज दिया जाओ भाई जाओ, सही है। देखो आपकी पत्नी के हाथ से गरम गरम फुलके हम खाते हैं, आप उधर बाहर होटल के फुलके खाओ, है ना मित्तल। उनको तो अपने आप बनाना पड़ता है। हाँ चलो, आपको खुद के हाथ से खाते हो, हम तो इसके हाथ के खाते हैं मित्तल के, है ना। बना बना अच्छे फुलके बनाती, पर डांडिया बहुत मारती है है ना डांडी। उस दिन पुलाव भी तो अच्छे बनाए थे। हाँ वो तो बोला ना पुलाव मस्त बनाए थे, मुझे खाना भी बना के दे दे, चल सब्जी बना के दे दे, गोभी की बना दे, मलाई ये मलाई है ना, मलाई घी निकाल के रखेंगे, घी निकाल लेंगे, अभी थोड़ी नॉर्मल हो जाए ना फिर आपको निकाल दूंगी, खा पी के आराम से बना देगी गोभी, टाइम नहीं लग जाएगा तुझे, सब ले आएगा और क्या करूं। मस्ती कर रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है पहले, वो देख लीजिए कढ़ाई में शिमला मिर्च की सब्जी बना दी है मैंने, नहीं वो अच्छी लगती है, आलू शिमला मिर्च ना मस्त लगती है, लंबी चीजें करके बनाते नहीं हम तो, लंबी चीजें नहीं करते हैं, काटते हैं ऐसे ही भिंडी, वो अच्छी लगती है, उसमें फिर वो क्या डालते हैं मूंगफली भी डालते हैं ना, मस्त लगती है, चले काटा भी डालेंगे, बहुत मस्त लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, वो मैं कपड़े भी धो रही, कपड़े भी धो दिए मैंने आज, और खाना भी बना दिया साथ में, मैं देख रही थी मित्तल क्या कह रही है, बना के देगी कि नहीं देगी, मम्मी ने बना दिया खाना, नहीं मम्मी का तो सबका पेट हो रहा है, बना रही है क्या बना रही तो खाना, चार जा नहीं हो ना अभी तो, भैया तो लेट आता है 9:30-10 बजे, तो साथ में ही आते हो, नहीं उसका तो इतना वेट मैं नहीं करती हूँ, मैं तो भूख लगे तभी खुशी की तरह खा लेती हूँ, खुशी की खुशी को भूख ही नहीं लगती है। मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी को करेला बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ करेला तो अच्छा लगता है, मुझे सब सब्जियां पसंद है, करेला भी अच्छा लगता है, कड़वी चीजें भी खानी चाहिए, सबसे ज्यादा करेला, सबसे ज्यादा भिंडी और गोभी, नहीं सबसे ज्यादा करेला अच्छा, भिंडी करेला लेकर आए उस दिन तो मम्मी बोल रही थी करेला है, हाँ करेला भी अच्छा लगता है, इसमें क्या करेला भी अच्छा होता है, सारी चीजें थोड़ी फर्स्ट नंबर नहीं खा पाते,
तू नहीं खाती है? नहीं खा नहीं पाती, ऐसे खाने का मन करे तो खा नहीं पाती, कड़वा ही लगता है। वो थोड़ी बहुत तो कड़वाट रहती है पर शरीर के लिए अच्छा भी होता है, शरीर के लिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करेला। आपको पसंद क्या है पहले वो बताओ। गोभी, भिंडी, तुअर की दाल भी नहीं खाती है, राई वाली चीजें नहीं खाएगी, कड़ी बनाते हैं नहीं खाती। कड़ी खाती हूं मैं, बोला था ना ऊपर है ये रहा खड़ा कौन टेडी। टेडी है क्या तू? टेडी आजा, टेडी आजा। देखो कैसे चुपके से देख रहे हैं, ये रहा भाग जाएगा वो। ये देखो गुंडा, पहले नंबर का गुंडा छोरा। हाय, और मित्ता फुलके वुलके बना के गई और हम अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर कार में ऐसी चक्कर लगाने। जैनी भी आ गई और खाना बाकी है हमारा, अभी 8:30 हुए हैं, थोड़ा घूम कर आएंगे फिर खाना खाएंगे। चलो भाई बाद में मिलते हैं। और हम अभी यहाँ रुके हैं मार्केट में दाबेली खाने के लिए, शेखर की इच्छा हुई, मैंने कहा ठीक है खा लेते हैं, चलो घर पे खाना तैयार है, लेट खा लेंगे थोड़ा और क्या, वैसे ही कल संडे है। तो खुशी में पानी पूरी खा रहे हैं और शेखर और मैं दाबेली खा रहे हैं, भैया बना रहे हैं वहाँ पे। भैया वहाँ पे बना रहे हैं, अच्छी होती है दाबेली सी, बहुत मस्त होती है। क्या वापस क्यों आ गए? क्या मैं वड़ा पाव खा सकता हूँ? वड़ा पाव यहाँ कहाँ है? वो रहा देखो, दिखा पानी पूरी वाले के पीछे। मैं उसका पता नहीं कैसा होगा, उसका हमने कभी खाया नहीं। वड़ा पाव तो एक दिन होती है। हाँ तो पापा से पूछो। पापा बोल रहे हैं मम्मी से एक बार पूछो, मम्मी बोल रही है पापा से एक बार पूछो। हाँ तो खा लो भले जाओ। यस। 2 मिनट निकल रहे हैं। अकेले जाओगे उधर? पापा आएंगे ना। चलो आ गया ये। कैसे हो भैया? बस बढ़िया है। बढ़िया है, ब्लॉग चालू है? चालू है ना। चलो सही है। हाँ। मुबारक हो, 1000 होने वाले। अरे 1000 हो जाए तो पापा ही है ना। अरे मैं हूँ भाई, काटना नहीं काटेगा? देखते तो हो नहीं। नहीं नहीं मैं देखता हूँ। हाँ? कब देखा था? आज देखा था, दोपहर को देखा था। कौन सा? आपका वो लिखा था हाउस हेल्पर वाला। मांगे मांग करे दादागिरी। अरे उनको प्यार से देते हैं तो गालियां देती है, ऐसे ही होते हैं बच्चे। दी ना आंख भी नहीं खुली है इसकी अभी बच्चों। अच्छा, हाँ पीछे नहीं ये? नहीं नहीं पीछे। जेनी दिख नहीं रही है, बैठी है क्या? ये फोसी कहाँ गई? ये नीचे आ गई, सीट के नीचे आ गई है। अच्छा ये देख पीछे से। चलो सही है, मैं देखता हूँ इन दोनों को। हाँ देखते बच्चे, देखे इसके जेनी के छोटे छोटे क्यूट है ना। हाँ है ना। और कहकर भैया कहाँ वो खड़े? ये खड़ा है यहाँ पे दाबेली। अब तो दाबेली का मूड लग गया, क्या बात है। पानी पूरी आओ खाने कभी। पानी पूरी तो खाते हैं पर अलग कभी दाबेली भी खाए ना। अच्छा तो बोले ठीक है, ठीक है ठीक है। कैमरा है आपके पास? कैमरा नहीं, ये नया फोन लिया है ना। अच्छा वीवो का है, ये लॉन्च हुआ है ना। करो ना? करो जलसे करे ना। मैं बोला आज आप आए हो तो बोल दूं, धन्यवाद दे दूं। किस चीज का? क्या आप मेहनत इतनी कर रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो आगे। अरे आप करो। अरे क्या बोलते हो क्या धन्यवाद
रोज के आपके होते जा रहे, चलो रोज अच्छा वीडियो आते मेरे पे, मैं क्या सब्सक्राइब करके रखा हूँ ना, सब्सक्राइब करके रखा है तो रोज बजती है घंटी, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है। रात को क्या करता है फिर? रात को क्या, अभी 12 बजे सो जाऊंगा जाके। हाँ, पापा ने बोला क्या करते हैं? पापा ने बोला हा? अभी वो मोबाइल नहीं है ना, तो पहले था मोबाइल अच्छा, तो वो मैंने अपनी बहन को दे दिया है, अभी मेरे पे वो टूटा हुआ वापरता हूँ। तो नया ले, इतना कमाता है पैसे मस्त, चौका है पैसे वाला, पक्का आईफोन लूंगा। ओए होए, आईफोन सीधा जम। अभी आया था 5 बजे आईफोन, जो नया नहीं निकला है। अरे ये भी अच्छा है, मैं दिखाऊंगी। तापेली वापेली खा ली हमने, बच्चों ने पानी पूरी खाई और मयंक ने वड़ा पाव खाया। अभी हम रुके हैं यहाँ पे टैटी जेनी और एलेक्सी स्टिक्स लेने, स्टिक्स खाते हैं। क्या आ रहे थे डॉट्स जैसा, ये स्टिक्स खाई उन्होंने, खाई नहीं मतलब लेने गए शेखर, खुशी मैंग भी गए और टैडी भी गए। अच्छा है, मैंने कहा टैडी को लेके जो परेशान करता है बहुत। जेनी नीचे बैठी है, पीछे दिख नहीं रही होगी आपको, नीचे बैठी है। ये वहां से स्टिक्स लेने गए, शॉप पे पूरी हूँ। ये देखिए टेडी ने क्या कर दिए, पूरा स्क्रैच कर दिए पूरे कार, ये खोदता रहता है ऐसे 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 करके। अभी दाबेली तो खा ली, खाने की इच्छा तो अभी बिल्कुल नहीं है, लेट खा लेंगे थोड़ा और क्या, और ठंड भी बहुत खुल गई है। मैंने दो दो पहने हैं, अंदर स्कार्फ पहना है, ये देखिए ये स्कार्फ पहना है, इसके ऊपर एक कैप पहनी है, जैकेट की कैप, और ठंड है। और कल हमने सोचा था वाइट रन जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, बच्चों ने भी मना किया, शेखर ने भी मना किया, मैंने भी मना किया, क्योंकि अभी एग्जाम है खुशी के, तो फिर नहीं जा सकते, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। देखते हैं कल कहाँ जाते हैं, मॉल में जाएं, ये वाला है यहाँ पे एक, ये वाला मॉल है, रिलायंस का है और डी मार्ट है, बिग बाज़ार, हाँ बिग बाज़ार भी खुला है। देखिए अभी कहाँ जाना है, दोपहर के टाइम पे ही जाएंगे, क्योंकि कल संडे है तो शाम को बहुत भीड़ होती है, बहुत ख़तरनाक भीड़ होती है, तो इसलिए देखें दोपहर को ही जाएंगे। यहाँ सब शॉप है, कैफे मिलती है, टी मिलती है, यहाँ पे सब बहुत सारी वैरायटी है, यहाँ पे खाने का है, पंजाबी खाना सब मिलता है यहाँ पे। अच्छे आपको दिखेगा नहीं, इस टैटी ने स्क्रैच कर दी पूरे, देखिए पूरे यहाँ पे। तलाई चलो फुलके बना के, इसके साथ ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ, वो भी मस्ती करती रहती है, ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, नहीं तो चुप करके बैठे रहो, एटीट्यूड दिखाओ, अच्छे से रहो, हम अच्छे से रहेंगे तो सामने वाला भी अच्छे से ही रहेगा। अच्छी है नेचर वाइज, बहुत अच्छी है, मना नहीं करेगी, जैसे मैंने बोला गोभी बना के दे तो मना नहीं किया उसने, बोला बना के दूंगी, पर खाना तो मैंने पहले ही बना दिया, ऐसे ही परेशान करती हूँ उसको। ऐसे गोभी तो हम रात को खाते भी नहीं है वैसे, पत्ता गोभी गोभी हम रात को नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने शिमला मिर्च बनाती है। अभी भिंडी रखी हुई है और पत्ता गोभी तो मैंने कल बनाई थी, अभी शिमला मिर्च आज बना दी, गोभी रखी हुई है और बैंगन रखे हुए हैं, देखिए और मेथी काट के रखी हुई है, हाँ मेथी भी है।
देखे अभी कल क्या बनाना है। कल का सोच रही हूँ राजमा बना दूँ, क्योंकि छोले तो बनाए हुए हैं मैंने, अभी राजमा सोच रही हूँ। राजमा काफी टाइम हुए नहीं बनाए हैं। या दाल मखनी, देखें अभी क्या बनाना है। साइड इंडिकेटर चालू करके गया है। चलिए बाद में मिलती हूँ, आ रहे हैं, बाय। और हाँ, अभी तो पप्पीज को बिस्किट भी खिलाने हैं, वो तो याद ही नहीं है, वो डेली वेट करते हैं हमारा। और गाड़ी भी पहचान गए हमारी कार, दूर से भी देखते हैं कार के, देखते हैं आ गई कार, और फटाक से पहले हमारी कार से पहले वो भागते हैं और दूसरे पीछे और भागते हैं सब। इतने सारे डॉगीज आपने तो देखे ही, इतने सारे डॉगीज हैं। बिस्किट हैं कि नहीं, दो पैकेट तो रखे हुए हैं और लेने पड़ेंगे। मैंने फ़ोन भी नहीं लिया, दूसरा अपना घर पे ही छोड़ दिया, नहीं तो शेखर को बोल देती इधर से ले ले बिस्किट। सब होटल फुल, होटल सब फुल आज और कल, आज सैटरडे कल संडे, दो दिन फुल होटल। और अभी संक्रांत भी आने वाली है, 14 को है, 14 को ही रहती है संक्रांत। पहले यहाँ पे बहुत था क्रेज, पतंग वतंग बहुत उड़ाते थे बहुत, अभी फिर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सब फेस्टिवल त्यौहार सब कम होते जा रहे हैं अभी, पहले नहीं तो बहुत क्रेज होता था। इस बार दिवाली फटाके भी कम ही फूटे, ज़्यादा नहीं हुए, पहले जैसा मज़ा नहीं है अभी। पर ये भी सही बात है, पतंग अपन उड़ाते हैं, मुझे तो खैर वैसे ही शौक नहीं है, पतंग उड़ाते हैं पक्षियों को ऊपर नुकसान होता है, वो भी बराबर नहीं है, अच्छा नहीं है। नहीं तो यहाँ पे तो बहुत था पहले बहुत, अभी कम हो गए। उड़ाते हैं, उड़ाने वाले उड़ाते हैं, जो शौकीन है, शौकीन है उड़ाते हैं, वो तो जिनको शौक है उड़ाते हैं, मुझे तो वैसे भी शौक नहीं। खुशी में इनको है थोड़ा बहुत, यहाँ पे सब खुले ग्राउंड पे चले जाते हैं, ओपन टेरेस पे चले जाते हैं, उड़ाते हैं अच्छे से। बाकी हमारे महाराष्ट्र साइड नहीं है, वहाँ पे नहीं करते हैं संक्रांत, इतना नहीं करते हैं, पतंगे वतंगे इतनी नहीं उड़ाते हैं वहाँ पे। गुजरात का बहुत है यहाँ पे त्यौहार संक्रांत। हम जब छोटे थे अपने नाना नानी के घर पर आते थे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में तो इतनी सारी पतंगे, ओपन छत है उनकी, तो इतनी सारी पतंगे हम लूटते थे, इतनी सारी पतंगे अपने घर लेके जाते थे, कोल्हापुर लेके जाते थे, पूरी मतलब उसमें बांध के अच्छे से पूरा लेके जाते थे, चोरी करके पतंगी जो गिरती है फटाक से ले लेते थे। वो टाइम भी अलग था, बचपन का टाइम, मैं मेरा भाई मेरी छोटी बहन तीनों लगे रहते थे, इतनी सारी पतंग जमा करके लेके जाते थे फिर, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ करते नहीं थे ना, कोल्हापुर में महाराष्ट्र में इतना कुछ है नहीं, तो हम अहमदाबाद आते थे जिस टाइम पे संक्रांत के टाइम पे, तो उसे पतंग ही उड़ाते थे, चोरी करते थे, जिसकी गिरी उठा के लेके जाओ, ये काम करते थे। अभी पहले जैसा कुछ है ही नहीं। पहले के टाइम पे अच्छा भी था, कुछ भी नहीं था ना, मोबाइल थे ना क्या था, कुछ भी नहीं था। आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया है, तो त्योहारों में से सबका मन ही उठ गया है, क्या फटाके भी फोड़ते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, जानवरों को नुकसान होता है, पतंगे उड़ाते हैं उनमें पक्षियों को नुकसान होता है, गले में फंस जाते हैं उनके, भी सही बात है। पर पहले जैसा क्रेज़ नहीं है अभी किसी में, जो पहले खुशी होती थी ना, अभी ये त्यौहार आने वाला है, ये त्यौहार आने वाला है, पहले जैसा भी नहीं है किसी को।
जेनी को टेंशन ही नहीं है, बच्चों को छोड़ के आराम से आ गई है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है चोरी को। चलिए बाद में मिलती हूँ, बाय। शेखर ने आज पेडिग्री लिए इनके लिए। देखिए शेखर कितना ध्यान रखता है पिल्लुओं का, देखो इन सब के लिए पेडिग्री लेकर आए आज। सब खुश हो जाएंगे पेडिग्री खाके। अच्छा है जल से आज पिल्लुओं के बड़ों के पेडिग्री खा रहे हैं आज। परेशान कर रहे हैं। बिस्किट दे दी। हाँ खाएंगे ना। ये देखिए जेनी बैठी है पीछे। जेनी जेनी पिल्लुओं की टेंशन है छोड़कर आ गई है। हाँ जेनी पिल्लुओं की टेंशन है छोड़कर आ गई है आराम से। हैं पोसी को कोई टेंशन ही नहीं है। वही देखो टेडी हमारा मारे टेडी मल टेडी है गुंडो। उल्टा कर दो ना इसको सीधा मत। कीड़े तो नहीं अंदर। टेडी के पिल्लू टेडी के पिल्लू टेडी के पिल्लू का हुआ टेडी का हुआ। अरे तू कहाँ अंदर ये देखो वो देखो उधर। अरे जेनी ठंडे कोष्ठ पे चले गए। मैं हट्टे ना इतना कहाँ टेडी के पिल्लू। हाँ टेडी के पिल्लू टेडी टेडी पिल्लू आ जाओ आ जाओ। इनका बेड तैयार हो रहा है महाराजों का। टेडी पिल्लू देखो पिल्लू उसके पापा को तैयार महाराज नहीं महारानी दो है महारानी मेजॉरिटी महारानी। ये देखो टेडी को तैयार करना चाहिए। टेडी भाग गया। मैं नहीं पकड़ रही हूँ तुझे डरपोक। और अभी 10 बज गए हैं हमने खाना वाना नहीं खाया। दाबेली खाइए तो अभी इच्छा नहीं है थोड़ा लेट ही खाएंगी। जा चाबी निकाल रही हूँ।
टेडी जाओ पिल्लू के पास, टेडी को, इसको बेचारे को जाना है पिल्लू के पास, पर जैनी से डर लग रहा है इसको, जैनी से डरता है। हाँ टेडी, चलिए आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा ही है, आज का यही ख़त्म करती हूँ। चलो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और कमेंट करें, ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।